नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, सुबह खाली पेट इसके सिर्फ 4 दाने खाने से शारीरिक कमजोरी, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, खून की कमी और वजन बढ़ाने का ये अचूक उपाय है। सुबह खाली पेट आगे जो हम आपको बता रहे हैं, इस मिश्रण में से 4 दाने बस आपको किशमिश का खाना है। स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये, क्योंकि किशमिश में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी होते हैं। शायद आप जानते होंगे कि किशमिश के सेवन से रक्त, कमजोरी इत्यादि तथा ओज की मात्रा बढ़ती है, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। किशमिश में भरपूर मात्रा में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर पाया जाता है। साथ ही इसमें दूध में मौजूद हर तत्व पाया जाता है। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसका सेवन करने से शारीरिक शक्ति के साथ कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, खून की कमी सब दूर हो जाएंगे। जी हाँ, ये आपके लिए भरपूर मददगार साबित होगा इन सभी को दूर करने में। आवश्यक सामग्री नोट कर लीजिए आप। किशमिश 100 ग्राम, शहद 100 ग्राम, अश्वगंधा का पाउडर 20 ग्राम। अब मिश्रण बनाने की विधि जान लीजिए। किसी बर्तन में शहद को डाल करके उसमें अश्वगंधा पाउडर को अच्छी तरह मिलाना है आपको। इसके बाद किशमिश को उसमें डालकर इस तरह हिलाना है कि मधु और अश्वगंधा किशमिश में अच्छी तरह भीग जाएं, और फिर इस मिश्रण को एक कांच के जार में कॉर्क या ढक्कन लगा करके 2 दिन के लिए छोड़ देना है। 2 दिन बाद आपकी चमत्कारी औषधि तैयार हो जाएगी। इसके बाद बात आती है सेवन के तरीके की, तो आइए जान लेते हैं सेवन का तरीका और मिश्रण के फायदों के बारे में। आप इसमें से जब भी किशमिश को निकालें, थोड़ा हिला लें ताकि आपस में सभी मिल जाएं, और 4 दाने किशमिश के निकाल करके सुबह खाली पेट रोजाना सेवन करें। इसके लगातार सेवन करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, अगर कमर दर्द की शिकायत हो तो ठीक हो जाती है, खून की कमी और जोड़ों के दर्द इत्यादि दूर करके शारीरिक एनर्जी बढ़ाता है ये। वजन को बढ़ाने के लिए किशमिश खाने के फायदे, आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और इससे दुबलापन हटाने के लिए किशमिश का सहारा भी लेना चाहिए आपको। 50 ग्राम किशमिश रात को पानी में भिंगो दें, सुबह भली प्रकार से चबा चबा करके खाएं। 2-3 महीने के प्रयोग से वजन बढ़ेगा। आपको बता दें कि किशमिश में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। शरीर को शक्तिशाली बनाना, जी हाँ, सुबह के समय लगभग 25 से 30 किशमिश को गर्म पानी से धोकर साफ कर लें और फिर इसे कच्चे दूध में डाल दें। आधे या 1 घंटे के बाद किशमिशों को दूध के साथ गर्म करके खाएं और ऊपर से दूध पी लें। इससे शरीर में खून बढ़ता है, ठंडक दूर होती है, पुरानी बीमारी, अधिक कमजोरी, यकृत, लीवर की खराबी और बदहजमी दूर होती है। किशमिश के अन्य फायदों के बारे में भी अब जान लीजिए आप। इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। किशमिश में वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठंड में प्रतिदिन इसका सेवन करने से बैक्टीरिया और इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण से लड़ने में सहायता मिलती है। एनीमिया, किशमिश में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रतिदिन पानी में भींगे हुए किशमिश खाने से शरीर में खून बढ़ता है और इस प्रकार एनीमिया से बचाव होता है। ऊर्जा, किशमिश में उपस्थित फ्रक्टोज और ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, अतः सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से कमजोरी नहीं आती है और वजन भी बढ़ता है। पोषक तत्वों से भरपूर, जी हाँ, किशमिश खाने से ब्लड बनता है, वायु, पित्त और कफ दोष दूर होते हैं और हृदय के लिए बहुत लाभकारी होती है। किशमिश ऊर्जा और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है। बाजार में उपलब्ध किशमिश के विभिन्न प्रकार हैं। इनमें से कुछ हैं सुल्ताना, मैलेगा, मुनुक, जांटे करेंट, मस्कट और थाम्पसन बिनलेस। कब्ज,
किशमिश खाने से कब्ज के मरीजों को आराम मिलता है। अगर आपके घर में किसी को कब्ज है तो उसे किशमिश जरूर खिलाएं। वजन बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए भी किशमिश का सेवन किया जाता है। उम्र के हिसाब से अगर आपका वजन कम है तो किशमिश खाएं, जल्दी ही आपका वजन बढ़ने लगेगा। खून की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए किशमिश खाई जाती है। किशमिश में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है तो शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है इसकी बदौलत। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।